हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट्स। 2 साल से मैंने बहुत पढ़ाई किया अध्यात्म के बारे में, तो अद्वैत तुरीयावस्था ये पता चला, लेकिन उसमें क्या होता है, yes. स्व साक्षी मतलब क्या, ये भी प्रयास किया ध्यान में जाके, लेकिन वो साध्य ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ जब आया तो मतलब ये तो मतलब आप तो ऐसे ही दे रहे सबको मतलब लोगों को कितने कितने वर्ष लग जाते हैं साधना करने में, आपने ऐसे ही दे दी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यस, आसान कितना हो सकता है, कई बार पुरानी शब्दावली की वजह से भी लोग तुरीयावस्था ऐसी बातें, कुछ शब्दों का अर्थ भी नहीं समझ में आता है, तो अध्यात्म बहुत कठिन हो गया है। आज के युग में आज की भाषा के अनुसार, लोक भाषा के अनुसार, जो चीज़ कठिन हो गई है वो आसान हो सकती है। और आसान कब होती है, जब आप एक्चुअली बात समझने लगते हो। तो आज आपको वो स्वाद मिला है तो आप समझ पा रहे हो कि ये इजी ही थी चीज़, मगर ऐसे ऐसे शब्दों में हम खो गए थे, इसलिए आसान सामने चीज़ थी दिखाई नहीं दे रही थी, चिराग जला दिखाई देने लग गया, अरे ये तो यही है, मेरे ही घर में है। हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया, कंटिन्यू रखो, हैप्पी थॉट्स। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में पुणे में काम करता हूँ। मैं और मेरी फैमिली जो आई है वो योगा आध्यात्मिक में बहुत साल काम किए और हमको थोड़ी बहुत संतुष्टि और शांति थी। जैसे जैसे दिन गए तो समस्याएं बढ़ती गई और कंपनी में या फैमिली में तनाव बढ़ता गया, तो हम लोगों को मालूम पड़ा कि हम बाहर की चीज़ें में संतोष ढूंढ रहे हैं। वैसे ही टाइम में एक सत्यमुख हमको मिले, उनका संसार में देखा तो हर जगह खुशी ही खुशी है, वो कैसे रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप महा आसमानी शिविर है, आप वहाँ पे जाओ। तो मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं। हाँ बढ़िया। और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मैं खुद को जानने लगा, खुद में संतोष ही पाने लगा, तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई और मुझे लग रहा कि मैं पुनर्जन्म पाके मेरी बाकी हुई जो बची जिंदगी है उसमें मैं खुद प्रेम आनंद मौन में रह के, मेरे संसार में रह के बाकी लोगों को भी मैं बांट सकूं। और जो आज आपने ध्यान के बारे में बताया, वो ध्यान में पहले बहुत बार करते थे, बट बैठते थे, विचार बहुत आते थे, बट आज के ध्यान में मैं उसको स्टेबलाइज करके रेगुलरली फॉलो करके प्रेममयी जिंदगी जीना चाहता हूँ। धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें